बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी एफ डी इंजीनियरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी D700 सीरीज़ मिट्सुबिशी की वी एफ डी की पैरामीटर की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं आप। तो ये स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इसका कंट्रोल, मतलब कि आप रिमोट से कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग आपको बताऊंगा। पैरामीटर चेंज करने के दौरान आपके जो ERR का एरर आता है वो क्यों आता है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल सके और फौरी वीडियो को देख सके। तो सबसे पहले इसके पैरामीटर के बारे में जान लें। अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो ये फॉल्ट पे इसलिए क्योंकि इसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर जो CT होती है वो मैंने इसके अंदर से निकाली हुई है, जिसकी वजह से ये बार बार फॉल्ट पे चला जाता है। तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ इसकी प्रोग्रामिंग सीखनी है पैरामीटर की। अगर आप कोई भी पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि मोड के बटन को प्रेस करना है और ये P0 आ गया, तो ये जो डायल लगा हुआ है इससे आपने इसको घुमाकर जो भी जिस भी पैरामीटर नंबर पे जाना चाह रहे हैं आप इसको घुमा के जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम ये जो हमारा VFD ये एग्जिट मोड में है, तो यहाँ से रन करेंगे रिमोट से तो ये रन नहीं होगा, ना फ्रीक्वेंसी अप डाउन होगी। तो इसका जो 0 नंबर पैरामीटर है इसके ऊपर इसका टॉर्क है, तो टॉर्क जो है वो 3 सेट किया हुआ है। टॉर्क का मतलब है कि अगर आप जब अपने VFD को रन करते हैं, किसी भी मोटर को अपने VFD से ड्राइव करते हैं, तो जो इसके ऊपर टॉर्क पड़ता है जैसे जैसे मैग्नेट कनेक्टर के ऊपर पड़ता है, तो वो टॉर्क जो है वो यानी कि मोटर का लोड होना चाहिए स्टार्टिंग 5 एम्पेयर, तो ये टार्क जो पड़ता है तो वो आपका एम्पेयर जो है वो 15 पे या 10 पे चला जाता है। तो ये यहाँ से जितनी सेटिंग को डाउन करेंगे वैसे ही आपका टार्क जो है वो कम पड़ेगा। तो ये मैंने 3 पे सेट की हुई है। 1 नंबर पे इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैंने 27 सेट की हुई है, 27। ठीक है, अब इसको सेट करेंगे तो ये देखें एरर 4, कोई भी चीज़ सेट नहीं होगी। अगर यहाँ पे करके PU पे करके PU का ये जो बटन है एग्जिट और PU इसके ऊपर करके करेंगे तो ये सेट कर देगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब बस VFD आपके पास आएंगे, वो इस तरह होंगे, PU का बटन प्रेस करेंगे लेकिन PU पे नहीं जाएगा, एग्जिट मोड पे ही रहेगा क्योंकि वो पैरामीटर 79 में जो है वो इसके 2 फीड होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ से बटन को प्रेस करने से PU के ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको अगर वो आपका 0 है तो आप यहाँ से ही PU और एग्जिट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद कोई भी पैरामीटर जब यहाँ पे साल के तौर पे दो है, कुछ मिट्स दो सेट है, तो ये पीयू पे नहीं जा रहा, और इसका इसके अलावा एरर देगा। कोई भी पैरामीटर आप सेट नहीं कर सकेंगे इसकी वजह से जब तक ये आपका पीयू पे नहीं जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं 79 को मैंने ज़ीरो कर दिया, जैसे पहले आपके सामने ज़ीरो करके यहाँ से पीयू पे करके हमने पैरामीटर को चेंज किया था। अब भी ये देख सकते हैं 79 पे ज़ीरो ही है। वापस आ जाते हैं, पीयू के बटन को प्रेस करने से पीयू पे जा रहा है। लेकिन सेट करने से पी यू पे तो है, लेकिन जब हम पैरामीटर सेट करते हैं तो इसका जो है एरर 1 आ रहा है, पैरामीटर सेट नहीं हो रहा। तो बाज़ लोग समझ जाएंगे कि ये जो है हमारे सीपीयू में प्रॉब्लम कोई आ गई, तो ये कोई सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक लॉक है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। इसके अंदर दो प्रोटेक्शन यानी कि दो लॉक लगे हुए हैं पैरामीटर को सेट करने के लिए। तो आपने चले जाना है पैरामीटर नंबर 77 में। 77 में अगर आपका 1 है तो इसको 0 कर देना है आपने। 0 करेंगे, अब पीयू पे है 75 14 है, तो इसको 3 करके देखते हैं। ये देखिए सेट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो अब इसको वापस ही 14 कर देते हैं। इसके बाद ये कंट्रोल इसका रह गया 79 पे। 1 करेंगे तो आपकी ये, अगर यहाँ पे आपके पीयू और एग्जिट पे नहीं जा रहा, तो अगर आप प्रोग्रामिंग यानी कि पैरामीटर सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 79 पे 1 करके सेट कर देंगे तो ये पीयू पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे जो रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस के बगैर सिर्फ रन की कमांड देने से ही आपका VFD जो है वो रन हो जाना चाहिए, तो आपने क्या करना है कि मोड के बटन को फिर से प्रेस करना है, फिर 79 पे चले जाना है, यानी कि 79 में सेट के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आपके 2 या 0 होगा तो आपने यहाँ पे 3 कर देना है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, साल के तौर पे ये 2 है तो ये 3 करते हैं। तो ये देखिए पी और एग्जिट दोनों पे आ गए हैं। इसको देते हैं रन की कमांड SD और SFP। तो ये रन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये फॉल्ट पे, ये देख सकते हैं जस्ट रन की कमांड देने से ही ये हमारा VFD जो है वो रन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कोई रेफरेंस कोई जंपर नहीं लगाया हमने। अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको
यहाँ पे चलाएं रिमोट पे, तो आपने क्या करना है इसको 6 पे कर देना है। आपने 6 पे कर देना तो ये सिर्फ PU पे आ गया है। तो ये रन का बटन जैसे ही रिमोट से प्रेस करेंगे तो ये रन होगा और स्टॉप भी यहाँ से ही होगा और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से ही कम होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। 79 में 6 पे है। ठीक, तो इस तरह इसकी आप जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।